हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं एमजी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। और ये जो है एक जो काफी आप लोग का ये हो रहा है, कल से एक नोटिस आपका वायरल हो रहा है। ये आपका ऑफिशियल सर्कुलर है। आपको बता दें कि ये पूरा जो है आपका ऑफिशियल सर्कुलर है, जिसमें कि रेलवे ग्रुप डी के साथ छात्रों के साथ हो सके। रियली में भैया धोखा के तौर पे है। कैसे है 2018 का वैकेंसी, 2019 वाला जिसका अभी 2022 में एग्जाम होगा, उसको हम यहाँ पे बात करेंगे। और एक काफी एक जो है कहा जा रहा है कि वैकेंसी को जो है आपका डिक्रीज किया जा रहा है, लगभग जो है 13-14 हजार वैकेंसी को डिक्रीज किया जा रहा है। इसी के ऊपर बात करेंगे और आगे आपको क्या करना है अब ग्रुप डी वाले, उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। लेकिन सबसे पहले आइए यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है आपका, तो ये जो आपका 2018 में, ध्यान दीजिएगा जो जो बोलेंगे पॉइंट, आपको 2018 में आया हुआ आपका जो है, और ये आपका 2019 में मतलब 2022 में जिसका आपका एग्जाम हुआ है ग्रुप डी का, ठीक है। ये क्या है आपका पोस्ट है, और यहाँ पे पोस्ट को आपको ध्यान देना है भैया, पोस्ट को, कि यहाँ पे देखिए आपका एक गेटमैन का 27 नंबर पोस्ट जो कि 2018 में आपका आया हुआ था गेटमैन का, लेकिन जो आप 2022 वाला मतलब 2019 में आया था, 2022 में एग्जाम हुआ है, इसमें कहीं भी आपका गेटमैन का कहीं भी पोस्ट नहीं है। गेटमैन का पोस्ट का लेके काफी जो है ये हो रहा है कि सर क्या वैकेंसी डिक्रीज हो रहा है। रियल में देखा जाए तो बाद में चल के आपको इसको लगेगा अंदाजा, वीडियो को पूरा आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये क्या 2018 में आपका जो है गेटमैन वाला, ये जो है 27 नंबर पॉइंट 2018 में आया था लेकिन 2022 में नहीं था, इससे आपका क्या है, अब आइए आपको आगे दिखाते हैं। आपका ये है, ये आपका देखिए, ये आपका क्या दिया है भैया यहाँ पे, ये आपका जागरण न्यूज का आपका जो है, और ये इसका क्या है देखिए क्या दिया है, गुड न्यूज तो लिख दिया यहाँ पे, जो कि गुड न्यूज बिल्कुल भी नहीं है। पूर्व सैनिकों को रोजगार देगा रेलवे संविदा पर। देखिए भैया ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, किस पे है ध्यान दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जब हो गया, संविदा पर जो है गेटमैन बनेंगे 13,518 सैनिक जो है, अब आपका गेटमैन बनेगा रेलवे का 13,518 पूर्व सैनिकों को संविदा पर मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर गेटमैन तैनात करेगा। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने जरूरी, रेलवे बोर्ड के द्वारा ये जो है सूचना जारी किया गया है। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पे जर गया, और यहाँ पे गुड न्यूज कहां से हो गई, ये तो आपका बैड न्यूज है, कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा सैनिक भैया खुश रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे कौन सा सैनिक खुश रहेंगे, ठीक है। तो आपका आगे दिखाते हैं, आगे आपका सर्कुलर क्या आया हुआ है, ये है आपका ऑफिशियल सर्कुलर। इसमें देखिए आपका यहां पे आइएगा, यहां पे देखिए 31/3/2023 तक आपका डेट दिया है, 31/3/2023 तक कौन सा पोस्ट का है, तो आपका एक्स सर्विसमैन के लिए, आपका गेटमैन के लिए जो है कहा गया है कि 31/3 तक जो है 13,518 एज ए इंडिकेटेड इंक्लूड, मतलब 13,000 के लिए वैकेंसी जो है कहा गया है। तो पहला तो आपको बता दे कि ये वाला जो हम लोग चार्ट दिखाए हैं कि ये जो है 2018 में आया था, तो इससे आपका कोई फर्क 2022 में आपका कोई फर्क नहीं है, लेकिन आगे जो भी आपका वैकेंसी है वहां पे आपका बिल्कुल भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब आप संविदा पे आप जो है दे दीजिएगा, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये जो नोटिस आया है, और टोटल इसमें 13,518 जो है इसमें 31 तारीख तक कहा गया है, डेट तो आपका 31 तक दिया गया है, लेकिन क्या पता आगे नहीं होगा। तो अब आपका यही सिंपल भाषा में टारगेट कह सकते हैं कि संविदा पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे गेटमैन का पूरा पोस्ट आपका जो है अब जो है रेलवे की तरफ से हटा ही दिया गया है, सिंपल भाषा में यही है। आपका आगे कह सकते हैं कि क्या लीजिएगा, 31 तारीख तक अभी आपका डेट लाइन दिया है, लेकिन आपका ऐसा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी जो सरकार मूड में है, जो आपका अग्निवीर आपका आया हुआ है, तो अग्निवीर को हो सके आगे आपको सबको गेटमैन के तौर पर, और वहां भी आपको गुड न्यूज है, वहां भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, परमानेंट आपका नहीं है। तो यही चीज है, और इससे देखिए वैकेंसी पे क्या असर पड़ेगा, अभी आपका आगे चल के देखिए, आगे चल के आपका वैकेंसी आने वाला है भैया 2023 में, आपका ग्रुप डी का वैकेंसी आने वाला है, और लगभग हम आपको कह रहे हैं 20,000 सीट पे असर पड़ेगा आपका, 20,000, अभी तो आपका वैकेंसी नहीं डिक्रीज हुआ, अभी नहीं पता चला, 20,000 से अधिक सीट पे आपका असर पड़ेगा, समझिए क्या मतलब। फिर भी आपका 2023 में पकड़ लीजिए ग्रुप डी का कम से कम तो अनुमान है कि 60,000 प्लस वैकेंसी है, कितना है भैया ये 60,000 हो गया, 60,000 के करीब ग्रुप डी में, और जिसमें से आईटीआई आपका कंपलसरी है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ये तो सरकार का सिस्टम है, इसको कुछ नहीं, लेकिन आपके पास 60,000 जो वैकेंसी है ये भी काफी है। तो अब जो कर सकते हैं आपको क्या तैयारी करना है, हमें आपको तैयारी करवाना है और आपको मोटिवेट करना है, नेगेटिव चीज से दूर हो जाइए, और जो पॉजिटिव चीज है कि आगे जो है आपको, और आगे आपका एएलपी का भी वैकेंसी आ रहा है, आपको बता दें यहां पर, और अभी वालों को बता दो जो 11 तारीख वाला, जो लोग भी नाराज हैं ये कह रहे हैं कि सर 11 तारीख के लिए आप हुबली वाले के लिए क्लास, तो भैया आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, ये प्लेलिस्ट को जाइए,
प्लेलिस्ट को आप चेक कीजिए और देखिए साइंस न्यूमेरिकल ग्रुप डी एंड एनटीपीसी, इस प्लेलिस्ट को देखिए ना भैया 38 वीडियो यहाँ पे अपलोड है, 38 वीडियो पूरा साइंस का, एक एक दर्पण हो गया आपका, विद्युत धारा हो गया, रासायनिक अभिक्रिया, एक एक चैप्टर को आपका भैया वहां पे है। तो आप लोग उसको जाइए, उस वीडियो को देखिए, पीरियोडिक टेबल का देखिए, और एक एक नहीं, ये जो करीब करीब है अभी तक हम देखे हैं 85,000 से 90,000 के करीब में 1,00,000 स्टूडेंट क्लास कर चुके हैं। तो आप लोग भी जाइए इस वीडियो को देखिए, इससे बाहर आपको सोचना नहीं है, समय काफी कम है, रिविजन कीजिए, टेलीग्राम से पीडीएफ ले लीजिए। और आपके लिए अब स्पेशल क्या क्लास करवाए हम कल सोचे, फिर देखिए ऑलरेडी सब क्लास आपका सेम पैटर्न पे करवा चुके हैं, बस आप इसको रिवीजन कीजिए। अब आइए नेक्स्ट बता दे आगे आपका क्या है, तो आगे आप लोग के लिए तैयार हो जाइए एएलपी और टेक्नीशियन वाले, एएलपी टेक्नीशियन, अभी आपका बिहार एसएससी का भी एग्जाम आ रहा है, बिहार एसएससी का, फिर आपका यूपी जो है पीएसएससी का एग्जाम, तैयारी आपको लगातार करते रहना है, आरपीएफ का भी आपका एग्जाम आ रहा है, आरपीएफ का, ठीक है, उसके बाद आपका जेई का भी एग्जाम आ रहा है, तो ये सब आपका, और दोबारा 2023 में आईटीआई वाले के लिए आपका क्या, तो आपका ग्रुप डी का भी वैकेंसी आएगा, और 2024 के करीब में आपका, 2024 के करीब में एनटीपीसी का आएगा। तो नेगेटिव नहीं रहिए, पॉजिटिव रहिए और लगातार करते जाइए। और हम आप लोग के लिए देखिए ये जो है आपके लिए ध्यान दीजिए, ये साइंस का एनसीईआरटी का बुक है, साइंस का एनसीईआरटी का बुक है, और आपका पूरा एनसीईआरटी बुक इसके साथ साथ जो लूसेंट वाला देख रहे हैं ना, लूसेंट का सीरीज और एनसीईआरटी का बुक हम आपको चैप्टर वाइज जो है पूरा आपको यहां पे क्लास करवाएंगे बिल्कुल फ्री में, एनसीईआरटी के साथ लूसेंट का जीके जो साइंस वाला पोर्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पूरा आपका क्वेश्चन यहाँ पे फ्री में आपका करवाएंगे, तो तैयार रहिएगा, जिससे कि आपका बिहार एसएससी में 25 मार्क्स का आपका साइंस आ रहा है, और एएलपी टेक्नीशियन जहां भी हर एक एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, तैयार रहिएगा। और स्टैटिक जीके का भी कंटेंट तैयार कर रहे हैं, देखिए हम सिंगल काम करते हैं, हमारे साथ कोई भी टीम नहीं है, हम अकेले ही सब कुछ तैयार करते हैं, थोड़ा समय लगता है, तो लगेगा एक सप्ताह के करीब में हम पकड़ लेते हैं कि समय लगेगा, लेकिन उसके बाद हम जो भी आपके सामने लाएंगे पूरा तगड़ा कंटेंट लाएंगे और बेस्ट कंटेंट आपको देने का प्रोवाइड करेंगे। और ये जो एनसीईआरटी सीरीज और लूसेंट वाला सीरीज, इसको आप लोग जरूर प्यार दिखाइएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो करना है वो तो हो ही रहा है, लेकिन आपके पास आगे बहुत सारा वैकेंसी है, इसके लिए आप लोग आगे बढ़िए, ग्रुप डी से आपको आगे भी जो है जॉब लेना है, ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिएगा हर एक के पास, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।